सो गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के 5:02 हो रहे हैं। अब जाके मैं सोने वाला हूँ और जब भी उठूँगा तब अच्छे से आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ हर एक चीज़। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। सो गाइस, सुबह तो हो चुकी थी हमारी 5 बजे, लेकिन अभी बज रहा है 11:30। मैं सो के उठाऊँ जस्ट। और गाइस, अभी प्लान है जाने का। तनुज है, मैं हूँ, कुछ दोस्त और हैं, और हम लोग सीधे अभी जा रहे हैं पहले पैसिफिक, फिर H&M, और फिर देखते हैं कि कहाँ जा सकते हैं। लेकिन अभी कल सिर्फ इतना पता है कि ये जो जगह हम जा रहे हैं, ठीक है। सो लेट्स गो गाइस, लेट्स गो। और आज बहुत धूप है गाइस, तो संभल के रहना पड़ेगा। Guys, right now I'm inside of H&M और यहाँ से थोड़ा बहुत कुछ शर्ट लेनी है, कुछ टी शर्ट लेनी है, वो लेते हैं, फिर आपको दिखाते रहता हूँ आगे। Ready for the next level of fashion. गाइस, मुझे ना मतलब 2 टी शर्ट्स बहुत पसंद आ गई है। एक ये इस कलर में और एक इसके जस्ट बगल में लगी ये, दोनों ले लेता हूँ। क्या कहते हैं गाइस? गाइस एक ये मुझे पसंद आ रहा है बट ये नहीं लेना। गाइस तो फाइनली मैंने वही 2 टीज ले लिए, लेकिन ऐसा था ना गाइस कि मतलब मुझे 2-3 चीज़ें और ज़्यादा पसंद आ रहे थे, उसमें साइज अवेलेबल ही नहीं था। लाइक यहाँ पर लग रहा है, यहाँ पे दिल पे बहुत ज़्यादा बुरा, साइज़ अवेलेबल नहीं। लाइक मैं लार्ज भी पहन लेता, वैसे तो मैं एक्सेल पहनता हूँ, मैं लार्ज भी पहन लेता हूँ, लेकिन नहीं मिला। गाइस H&M से शॉपिंग करके आ चुके हैं, अब जा रहे हैं थोड़ा पैसिफिक में, देखते हैं कुछ अगर लेना ना आएगा, अगर पसंद आएगा तो ले लेंगे, क्योंकि जीन्स वगैरह एक तो वहाँ से भी ट्राई करनी है मेरे को। बाकी चलो लेट्स गो। गाइस मतलब फ्रेंड्स लोग ना सारे बिजी हैं, कोई वॉशरूम गए, कोई डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में गए हैं जो है मॉल पे, और मैं यहाँ पर अकेला वेट कर रहा हूँ इन लोगों का। जैसे ही आते हैं फिर चलते हैं ऊपर, कुछ खाते वगैरह हैं, भूख लग रही गाइस मुझे तो बहुत ज़्यादा। बाकी आप देखो वो मॉल के नज़ारे। तो गाइस अपना मील तो आ चुका है, बस ऐसे खाते हैं फिर आगे के अपने डेस्टिनेशन को चलते हैं। मालदीव का साइड हम लोग जाने वाले थोड़ी देर बाद, तो पहले मील एंजॉय कर लेते हैं हम अपना, फिर चलते हैं। आ चुके हैं पैसिफिक से भी बाहर, अब कहते हैं गाड़ी वगैरह जहाँ पार्क करी थी वहाँ से निकालते गाड़ी और चलते आगे मार देता हूँ। ओके
सो गाइज अभी हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे मालदीप्ता फार्म्स। बहुत अच्छी सी प्यारी सी जगह है, अब देखो चारों तरफ। सो गाइज अभी यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रहेंगे हम लोग, कुछ खाना पीना करेंगे, थोड़ा इन्जॉयमेंट आपको जो भी करूँगा मैं दिखाऊँगा। थोड़ा यहाँ पर थोड़ा सा एडवेंचर, मतलब लाइक लिटिल एडवेंचर काइंड ऑफ कुछ चीज़ें हैं, तो मैं वो आपको दिखाऊँगा। ठीक है गाइज, तो लेट्स गो। तो गाइज देखो यहाँ पर बहुत अच्छी सी जगह है गाइज ये, यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर नदी भी आ रही है और नदी के बगल में यहाँ पर छोटा सा कबाना टाइप बनाया हुआ है और यहाँ पर है एक ट्री के नीचे। गाइज मैं क्या कर रहा हूँ, मैं भी ये केबल लगा के आता हूँ चार्ज में, क्योंकि फ़ोन ना बैटरी बहुत कम है, तो पहले चार्ज लगा लेते हैं क्योंकि इसी फ़ोन से तो मैं आपको सब कुछ दिखा रहा हूँ। तो पहले चार्ज लगा देता हूँ थोड़ी देर, फिर उसके बाद बाकी मैं आपको व्यूज दिखाऊंगा यहाँ पे। ठीक है गाइज, मेरा फ़ोन तो है चार्ज में जैसे कि आप जान सकते हो, मैंने पहले बताया था आपको, सॉरी यहाँ पर नदी का साउंड बहुत ज़्यादा है, शायद से आपको मेरा आवाज़ आ रहा होगा नहीं आ रहा होगा। पीछे देखो गाइज इतना सही से माहौल है और वहाँ पीछे पुल, अभी मैं आपको पूरा दिखाऊंगा कि मैं यहाँ पर कैसे पहुँचा, कहाँ पर से आया हूँ, तो बस स्टे ट्यून्ड। अच्छा गाइस, तो मैं बता रहा था जहाँ फार्म में हम आ रखे हैं मालदीप्ता फार्म्स, उसके यहीं पर ही ये जगह और यहाँ पर छोटा सा कबाना टाइप है जो मैंने आपको दिखा रखा पहले भी, और ये नदी और वो सामने पुल जो आपको अभी भी दिखाया मैंने, और सामने इतना बड़ा पहाड़, लाइक मस्ट विजिट प्लेस है ये यहाँ की। आप आ सकते हो यहाँ पर, 100 रुपीज पर पर्सन चार्ज है, फिर बाकी आप अंदर जो भी आप अपना खाना खाना चाहते हो वो खुद का चार्ज दोगे। तो सब लोग अभी, मतलब हम लोग खाना वगैरह खा के यहाँ पर आ रखे, और यहाँ पर गार्डन है बहुत अच्छा सा गाइस, और ना थोड़ा सा आगे यहाँ पर अभी क्यूट सी बच्ची रो रही है यहाँ पे सारी, हम थोड़ा सा आगे जाते हैं। आई विल शो यू, यहाँ पर ना थोड़े टेंट्स वगैरह हैं जैसे किसी को कैंपिंग वगैरह करनी हो रिवर साइड में, तो बहुत अच्छा सा है। ओके मैं दिखाता हूँ, तो गाइज वो है टेंट्स वगैरह सारे लग रखे, कुछ इस तरह लग रखे। Thank you.
गाइस सीन कुछ ऐसा है कि मतलब मुझे यहाँ पर एक दो जगह ऐसी लग गई कि उतरना चाहिए और यहाँ का व्यू कैप्चर करना चाहिए, तो मैं उतर गया हूँ। सो लेट्स सी दिस। कालू मैं आ गया। कालू तुम कहाँ थे? आज तुम ठीक हो? आज नाराज तो नहीं हो? आ जाओ। गाइस लगभग 7:30 बजे मैं आ गया था वापस और तनुज ने मुझे छोड़ दिया था। उसके बाद मैं डिनर वगैरह के प्रिपरेशन में लग गया था, तो अभी हो गया है 9:30 और मैं खाना वगैरह खा के एकदम आपसे बात करने के लिए रेडी हो गया था। तो आज हम लोग बहुत अच्छी अच्छी जगह गए, पहले शॉपिंग वगैरह करी जो भी था आपने देखा। उसके बाद हम लोग मालदेवता फार्म गए जो कि बहुत अच्छा फार्म है गाइज। और हाँ, मैं आपको बताने आ रहा था कि वो कहाँ पर है। सो गाइज जब आप जाते हो मालदेवता, वहाँ पर मालदेवता का मेन एक ब्रिज आता है, तो ब्रिज के जस्ट लेफ्ट में है मालदेवता फार्म। और अगर आप गूगल भी करोगे, मैं गूगल मैप में और गूगल में हर जगह अवेलेबल है वो, और आप वहाँ जा सकते हो। बहुत अच्छी जगह है। थोड़ा एंट्री फीस वगैरह है वो लोग लेते हैं पहले एंटर करने से पहले, तो वो आप पहले एकदम माइंड पे सेट करके चलो कि आपको एक एंट्री फीस लेके चलनी है। 100 रुपीज़ पर पर्सन वो लोग चार्ज करते हैं एंट्री फीस, बाकी अंदर खाना पीना अलग से आपको करना पड़ता है। और लाइक अगर आप 100 रुपीज़ पे करके अंदर जा रहे हो ना गाइस, मैं बोल रहा हूँ वर्थ है उस चीज़ के लिए। और खाना वगैरह भी अच्छा ही था, थोड़ा मतलब क्लाइमेट ज़्यादा ही अच्छा था उधर का, तो इसलिए हम लोग अंदर गए। बाकी आप वहाँ पर टेंट वगैरह भी लगे थे, तो आप वहाँ पर रह भी सकते हो। तो टेंट वगैरह का प्राइस लाइक 2500 पर नाइट का वो लोग ऐसे चार्ज करते हैं, तो इट्स कंफर्म लाइक 2500 पर टेंट पर नाइट। ओके, उसमें 3 से 4 लोग आप लोग रह सकते हो, तो इस टाइप से भी आप रह सकते हो। बॉनफायर सेशन वगैरह वहाँ सब बहुत बढ़िया गाइस, और मतलब एक मिनी एडवेंचर वगैरह उन लोगों ने क्रिएट करा हुआ है जो कि मैंने आपको दिखाया था वीडियोस में, लाइक टायर वगैरह और कहते हैं रोप वे उन्होंने खुद से बनाया हुआ है, तो आप वो भी इंजॉय कर सकते हो। छोटे छोटे बच्चों के लिए, लाइक अडल्ट कैन ऑल्सो डू दैट बट मेनली वो छोटे बच्चों के लिए है। और एक स्विमिंग पूल है साइड पर छोटा सा, जिसकी एंट्री फीस अलग से है आपको देनी पड़ती है। वहाँ पर 350 कॉस्ट लाइक द स्विमिंग पूल, तो आप अगर एंजॉय करना चाहते हो स्विमिंग पूल में भी कर सकते हो। बाकी आज आप लोगों ने देख लिया सब कुछ और अभी हम आ चुके हैं। और एक और बात करनी है गाइस, कल या फिर परसों दोनों में से कोई भी दिन आप और मैं दोनों सरप्राइज होने वाले हैं। बहुत ही सही मतलब चीज़ होने वाली है लाइफ में, मैं आपको बता दूंगा जब भी होगा, ठीक है? और आप और मैं हम दोनों ही उसके मतलब जो भी चीज़ आ रही है उसे बहुत खुश होने वाला है। तो खुशी का एक और नया बहाना मिलने वाला है हम लोगों को, और शायद से कुछ और इंटरेस्टिंग भी हो उसके साथ साथ, अभी मैं रिवील नहीं करूँगा। तो गाइस ब्लॉगिंग ऐसे ही देखते रहो, बाकी आज भी थोड़ा ज्ञान दे दिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है गाइस अगर आप वहाँ घूमने जा रहे हो तो। सो लेट्स गो नाउ, टाइम टू स्लीप और एडिट करके मैं सो जाऊँगा। तब तक के लिए गाइस सी यू सी इन नेक्स्ट व्लॉग एंड टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। बाय।